गणपते नमः। ओम राधा कृष्णाय नमः। हम आपको वर्ष में 24 एकादशी होती है तथा जिस वर्ष में अधिक मास आ जाता है उसमें दो और बढ़ जाती हैं तो 26 एकादशी होती है, उनके नाम आपको बताते हैं। पहली है उत्पन्ना एकादशी, दूसरी मोक्षदा, तीसरा सफला, चौथी पुत्रदा एकादशी, पांचवी शतकला, छठी जया एकादशी, सातवीं बीजा, आठवीं आमला, नौवीं पाप मोचनी, दसवीं कामदा, ग्यारहवीं वरतनी, बारहवीं मोहिनी, तेरहवीं अपरा, चौदहवीं निर्जला एकादशी, पंद्रहवीं योगिनी, सोलहवीं देवसेनी, सत्रहवीं कामका, अठारहवीं पुत्रदा, उन्नीसवीं अजा, बीसवीं परवर्तनी, 21 इंद्रा एकादशी, 22 पाप कुंसा और 23 रमा एकादशी और 24 प्रबोधनी एकादशी। 24 नामों के अतिरिक्त अधिक मास में पद्मिनी और पद्मा ये दो एकादशी और होती हैं। नाम के अनुसार अलग अलग ये फल देती हैं। सूत जी महाराज 88 ऋषियों से बोलते हैं, हे ऋषियों, इस विधि युक्त उत्तम महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक ही समय भोजन करते हैं उन्हें कैसा पुण्य मिलता है, उसका उपवास करने की विधि क्या है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे प्रथम दसवीं रात्रि के दंत दान तथा दिन के आठवें पहर यह सूर्य तेज मंद पड़ जाए तब दंत दान करना चाहिए। रात्रि को भोजन ना करें, प्रातः काल निश्चय चित संकल्प करें, मध्याह्न में संकल्प पूर्वक स्नान करें, नदी तालाब वापी कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले मृतका अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान करके व्रति पुरुष पति चोर पाखंडी मिथ्या दूसरों का अपवाद करने वाला देवता वेद ब्राह्मणों की निंदा करने वाला दूसरों से गमन करने वाला दुराचारी परद्रव्य चुराने वाला सबों से बात ना करने वाला गलती से इनको देख ले तो पाप से दूर करने के लिए सूर्य को देखे। स्नान के अनंतर सादा नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें, दीप दान आदि करें, कर्म भक्ति और युक्त होकर करें, निद्रा और मैथुन ना करें, दिन और रात्रि में नित्य गायन आदि सद कर्म आदि से बिताए। भक्ति युक्त ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक अपनी दृष्टि क्षमा याचना कराए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अति दोनों धार्मिकों के लिए समान है, दोनों एकादशी वेद वृद्धि उचित नहीं है, इस प्रकार एकादशी व्रत करते हैं। मनुष्यों को तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से से बराबर ही नहीं है। व्यतिपात रोग संक्रांति के समय चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत से होता है। जिस व्रत के घर में 1,000 तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करें उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से होता है। वेद वेदांत पूर्ण ब्राह्मण सहस्त्रों गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक ब्रह्मचारियों को भोजन से होता है। 1,000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान से पुण्य है, वह 10 गुना अधिक विद्यादान से पुण्य है, विद्यादान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है।
अन्नदान के बराबर दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा पितर तृप्त होते हैं। इससे पुण्य और प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। इस व्रत करने के आधा फल एक मुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इसमें से कोई करना नहीं चाहिए। तीर्थ तभी तक गर्जना करते हैं। दान नियम यज्ञ अपने फल की तभी तक घोषणा करता है। यज्ञों का फल तभी तक है जब तक एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। शंख के जल से नहीं पीना चाहिए। मछली और सुगा नहीं खाना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान हजार यज्ञ भी नहीं। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप तीर्थों में सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पवित्र कहते हैं, इससे क्या कारण है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयानक दैत्य था, जिसके वैसे सभी देवता भयभीत थे। इसमें इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा था, हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत लोक में अपना काल बिता रहे हैं। देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती। कृपा करके दुख से छुटने का कोई उपाय बताइए। महादेव जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के पास जाकर महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं के साथ लेकर क्षीर सागर में, जहां जगतपति जगन्नाथ जनार्दन भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वहां गए। भगवान को शयन करता देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको बार बार कोट कोट नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पौर्णिकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सभी देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप इस जगत को मात्र स्वरूप हैं। आप पिता हैं। आप ये जगत के स्थिति करता हैं, उत्पत्ति करता हैं, संहार करता हैं। देवताओं के सहायक हैं, उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आप ही आकाश हैं, संसार के प्राणियों के उपकारण हैं। आप ही संसार हैं, संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य चंद्रमा अग्नि हव्य मंत्र तंत्र यजमान यज्ञ समस्त कर्म भोग भोक्ता ईश्वर हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। हे शरणागत आए हुए की रक्षक देवादिदेव, हे भगवान, आप हम लोगों पर रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया है, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिर रहे हैं। आप ही उनके रक्षक हैं। इस प्रकार इंद्र के वचनों से सुनकर भगवान श्री नारायण, वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? उसका बल क्या है? सो मुझसे कहिए तथा भय को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्र कहने लगे, हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जन नामक दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में ही थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मुर नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। नगरी अति ही सुंदर है। दैत्य अपनी प्रखर वीरता से संपूर्ण विश्व को जीतकर देवताओं को देवलोक से निकाल कर इंद्र अग्नि यम वरुण चंद्रमा लोकपाल स्वयं बन बैठा। स्वयं सूर्य बनकर जगत का तपा रहा है। मेघ बन गया है। कारण आप देवताओं के लिए दुर्मदनीय दानव का मारकर देवताओं पर विजय बना। श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत ही क्रुद्ध हुए, क्रोध में आए। इंद्र को संबोधन करके बोले, हे देवेंद्र, मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही भयहीन कराऊंगा और बलशाली देवो, आप लोग सब मिलकर चंद्रावती पुरी को जाओ। ये कहकर भगवान भी देवताओं के पीछे पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा, दैत्य अधिपति मुर अनेक दैत्यों से परवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा था।
युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों में लड़ ना सके। दैत्यों ने देखा हरिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित है। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्रों से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मारने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से युक्त अनेक दानव इस लोक में चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्य अधिपति मुर निश्चय भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करें, वह सब तेज कुंठित होकर पुष्प के समान उनके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी भगवान उनको ना जीत सके। क्रुद्ध होकर परत तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के हजार वर्ष भगवान ने उनको युद्ध किया, परंतु वह नहीं हरा। भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्र का आश्रम चले गए। वहां 88 कोस की लंबाई में विस्तृत एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए अर्त से भगवान ने प्रवेश किया। हे धनार्जन, मैं उस गुफा में सोया था, वह दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया। मुझे सोते देखकर मरने के लिए तैयार हुआ। वह समझता था आज मैं दानवों के चिर शत्रु उनको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊंगा। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत ही सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानवराज के सन्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उनसे युद्ध करने लगा। युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा, इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके बाण वज्रों के समान हैं। उन दोनों ने घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानवराज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रणहीन कर दिया। वह दानव वृत निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसे सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को दे दिया और उसे शारदी भयभीत होकर पाताल में चले गए। भगवान उठे, सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए। बोले, संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इसे कंदरा में आश्रय दिया, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की। कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था, आपके अंश से उत्पन्न हुई। मैंने इसे दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शत्रु दमन कारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले, ही निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझे पर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं। तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम ही मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए। इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसको पापों से तारने में समर्थ हूँ। उपवास से जो पुण्य होता है उसका आधा रात्रि भोजन में हुए, आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो मेरे दिन को जितेंद्र भक्ति युक्त होकर उपवास करेगा तो विष्णु धाम को प्राप्त होगा। अनेक कोट वर्ष तक वहां अत्यंत सुखों को भोग करेगा। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य हो गए। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी। वे मेरे समीप वास करेंगे। मेरी उत्तम भक्ति
उत्तम शक्ति तुम एकादशी तिथि से उत्पन्न हुई हो, तो इस कारण तुम्हारा नाम एकादशी है। एकादशी उपवास करने वालों के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं तुम्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, ये तृतीया मुझे अत्यंत ही प्रिय है। विष्णु भगवान इतना बर देकर वही अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी बर पाकर परम संतुष्ट और हर्षित हुई। हे पार्थ, सभी तीर्थों से, सब दानों से, सभी व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं, मैं उनके शत्रुओं का नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस एकादशी की उत्पत्ति हुई नित्य एकादशी व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। सभी पापों से दूर करने, सब प्रकार के मरोदों को सिद्ध करने के लिए एक तिथि ही प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों में भेद करना उचित नहीं, दोनों ही समान हैं। जो एकादशी व्रत करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त है, और एकादशी महत्तम जो सर्वदा श्रवण करना पठन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु जी की कथा सुनते हैं, कहते हैं वे विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महत्तम का श्रवण करता है उसे ब्रह्म अत्याधिक पाप छूट जाते हैं, ब्रह्म अत्याधिक आदि पापों से निवृत्ति हो जाती है। विष्णु धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो एकादशी व्रत की समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। निर्जला एकादशी महत्तम। सूची महाराज बोले, ऋषियों, अब सब व्रतों में श्रेष्ठ सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की व्रत कथा का बारे में श्रवण करो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, मुझसे तो भूख सही नहीं जाती, मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूंगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो भीमसेन दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करो। तब भीम ने निवेदन किया, हे महामुनि, जो मुझसे मैं कहता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ सो वही सुनो। यदि दिन में एक बार भी भोजन ना मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि का निवास है, बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे पितामह, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे केवल एक व्रत बतलाइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म को चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन थोड़े कष्ट होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते हैं वे नरक में नहीं आते। वृष मिथुन राशि के सूर्य में चेष्ट मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसको निर्जला व्रत यत्न से करना कठिन है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित है, केवल एक घूंट जल से आचमन करें, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशियों के सूर्योदय से लेकर द्वादशियों के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें, ना भोजन करें, बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन,
इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशी आती है उन सब का फल है निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री नारायण ने स्वयं यह मुझसे कहा, वह सब त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। सुन, एकादशी निराहार व्रत करने मनुष्यों की सभी पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों में यात्रा, सब प्रकार के दानों में जो फल मिलता है, दोनों में जो फल मिलता है वह सब एकादशी के व्रत में मिल जाता है। कलयुग में दान देने से ऐसी सदगति नहीं होती, अधिक क्या कहूँ। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का जल और भोजन ना करें। हे विपुलधर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशी व्रतों में जो धन धान आयु आयोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निस्संदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे भीमसेन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इसके करने से अधिक भयंकर काले पीले रंगे वाले यमदूत, भय देने वाला दंड, फांसी सहित मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथों में चक्र लिए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अन्य समय में विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। जल रहित व्रत करना उचित है। जल और गोदान करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जन्मेजय, तब मैं भीमसेन को व्रत करने लगे, तभी इसका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी सब पापों को दूर करने के लिए उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करो। इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश, द्वादशी को भोजन करूंगा। यह कहकर सभी पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके व्रत करें। स्त्री और पुरुष के मद्राचल पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। गौदान न कर सके तो वस्त्रों के बांधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करें। निर्जला एकादशी को स्नान दान तप होम आदि धर्म कार्य मनुष्य करता है वह सभी अवक्ष हो जाता है। हे राजन, जिनके एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया है, धर्माचार करने से क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने से दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके पुण्य कभी नाश नहीं होता। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करता है वह पापी होता है। इस लोक में चांडाल होते हैं, अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्महत्या, मद्रापान, चोरी, गुरु से देश, मिथ्या, झूठ बोलने वाला महापापा द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इस व्रत की विधि का श्रवण करो। व्रत स्त्री और पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करके गौदान करें। दूध देने वाली गौ मिष्ठान दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों से प्रसन्न होने से विष्णु लोग भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने महाव्रत नहीं किया, आत्मद्रोह किया, वह दुष्ट दुराचारी है। जिसने यह व्रत किया, अपने 100 पिछले और 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग को पहुंचा दिया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान पूजा करके रात्रि में जागरण करते हैं, द्वादशी के दिन अन्न जल वस्त्र उत्तम संज्ञा कुंडल सुपात्र ब्राह्मणों को दान करते हैं, निस्संदेह स्वर्ण के विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस कथा का श्रवण करने से सुनाने से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल पाप नाशनी अमावस्या सूर्य ग्रहण के दान पुण्य करके मिलता है वही फल इसके सुनने से प्राप्त होता है। दंत दामन विधि के अनुसार बिना अन्न जल से व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत आचमन छल से अतिरिक्त
जलनाथ जी का द्वादशी के दिन देव देवेश त्रिविध भगवान नारायण की पूजा करें, जल पुष्प धूप दीप अर्पण यथाविधि पूजन करके प्रार्थना करें। हे देवेश, हे ऋषिकेश, इस संसार सागर से पार कराने वाले इस घड़े को दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्त्र छत्र फल आदि घड़े को रखकर ब्राह्मणों को दान देवे। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। इस प्रकार इस व्रत को यथाविधि करते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे पापों से उनकी निवृत्ति हो जाती है। बोलो बोलो एकादशी महारारे की जय। बोलो विष्णु भगवान।